Defense Vegas Gold. एनएसजी में भारत की एंट्री में अड़ंगा डालने वाला चीन, तो परमाणु तस्कर निकला। जिस चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी के नियमों का हवाला देते हुए भारत के एंट्री पर रोक लगा दी, उस चीन ने पाकिस्तान के लिए सारे नियम क्यों तोड़ दिए? आतंक की जन्नत पाकिस्तान को परमाणु की तस्करी कर रहा है चीन। एनएसजी का सदस्य होने के बाद भी चीन सभी नियम कायदे को ताक पर रखकर पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर्स दे रहा है। चीन का भारत विरोधी नापाक चरित्र बेनकाब। एक तरफ चीन जहां पाकिस्तान से दोस्ती की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद से लेकर के परमाणु हथियारों तक भारत के खिलाफ और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। लेकिन अब क्या करेगा हिंदुस्तान और क्या करेगी दुनिया, जब हो चुका है चीन की परमाणु तस्करी का पर्दाफाश। नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8:30 बजे हैं और आज हम चाइना की परमाणु तस्करी का, जी हां सही सुना आपने, परमाणु तस्करी का पर्दाफाश करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जिस चाइना ने एनपीटी के नियम की दलील देकर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी में भारत की एंट्री का विरोध किया था, वही चाइना पाकिस्तान के लिए एनपीटी के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। एनपीटी के नियमों की अनदेखी कर चाइना पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर्स दे रहा है। इस समय आपको बता दें चाइना के पास 35 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं, वहीं 20 परमाणु रिएक्टर बन रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 3 परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं और 3 बन रहे हैं। पाकिस्तान के लिए चाइना की परमाणु तस्करी से जुड़ी रिपोर्ट 55 साल पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने जारी की है। आपने शी जिनपिंग और नवाज शरीफ का याराना देखा, आपने आतंकवाद पर चीन को पाकिस्तान के साथ देखा, आपने एनर्जी में भारत के खिलाफ चीन की साजिश भी देखी। चाइना भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा, चाइना क्राइटेरिया प्रोसेस आदि की बात कर रहा है। लेकिन आज आप पाकिस्तान के लिए चीन के परमाणु तस्कर बनने का सबूत देखेंगे। पड़ोसी देशों में घुसपैठ और कब्जे की बुरी आदत से मजबूर चीन अब परमाणु तस्कर बन चुका है। सैन्य ताकत पर अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा खर्च करने वाला चीन चोरी चोरी पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर्स दे रहा है। परमाणु अप्रसार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 में एनएसजी का सदस्य बनने के बाद से लेकर अब तक चीन पाकिस्तान को 6 परमाणु रिएक्टर्स दे चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर देकर चीन ने एनपीटी का उल्लंघन किया है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन एनपीटी के नियमों के खिलाफ जाकर के पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिए। चीन समेत दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि तबाही के लिए करता है। पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर्स देने के पीछे चीन ने साल 2003 में पाकिस्तान के साथ हुई परमाणु डील का हवाला दिया है। साल 2003 में चीन एनएसजी का सदस्य नहीं था, लेकिन आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक चीन एनएसजी का सदस्य बनने से पहले सिर्फ 2 परमाणु रिएक्टर की सप्लाई ही कर सकता है। चीन कहता है भारत एनपीटी का मेंबर नहीं है, एनपीटी 1970 में बंद हो गई थी और बाद में भी नहीं साइन किया, तो अब कैसे मेंबर बन सकता है। लेकिन पीछे उनका है कि अगर जो भारत बने पाकिस्तान भी बने, तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया एनएसजी में, क्योंकि वो एनएसजी के मेंबर है और एनपीटी के 5 मेंबर में से एक है। चीन की भारत विरोधी चाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब एनएसजी में भारत के शामिल होने की पूरी उम्मीद दिख रही थी, तब चीन ने एनपीटी का हवाला देकर भारत को एनएसजी में शामिल नहीं होने दिया। लेकिन उसी एनपीटी की धज्जियां उड़ाकर चोरी चोरी
चुपके चुपके पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर्स बेचता रहा। चीन क्या करता है, वो उनको टेक्नोलॉजी देता है, उनको जहां अपना प्राइवेट काम चल रहा है उसमें उनको मदद कर देता है। अभी 8 सबमरीन बना रहे हैं कन्वेंशनल, जैसे हमारे स्कॉर्पियन है, क्योंकि हमारी किलो क्लास भी बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन हमने सुना है और पाकिस्तान के रिसर्चर्स कहते हैं कि उनमें से कोई ना कोई सबमरीन परमाणु मिसाइल होगा, जैसे हमारी अरियान पे होने वाला है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ चश्मा 3 परमाणु रिएक्टर के लिए करार किया, जो एनपीटी के नियमों के खिलाफ है। चीन ने एनपीटी के नियमों को तोड़ा है। चीन एक ऐसे देश को परमाणु रिएक्टर दे रहा है जो IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मानकों पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि पाकिस्तान का दागदार इतिहास इस बात का गवाह है कि परमाणु सामग्रियों का इस्तेमाल वो कभी अपनी ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने के लिए करता है। पाकिस्तान को तो दुनिया में कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उनकी जो न्यूक्लियर हिस्ट्री है वो बड़ी इरिस्पॉन्सिबल रही है। उन्होंने तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची है ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, तो आपस में कोई मुकाबला नहीं। चीन के हक में है भारत को नीचा रखा जाए। भारत को नीचा रखने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ही वो समझते हैं कि ऐसा देश है जो नज़दीक है, जो भारत के खिलाफ खड़ा हो सकता है। रिपोर्ट में चीन को साल 2000 में किए गए उसके वादे की याद दिलाई गई है, जिसमें उसने कहा था कि चीन किसी भी देश को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए परमाणु सामग्री नहीं देगा। पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर्स देना मतलब परमाणु तस्करी करना है और दुनिया को तबाही के गर्त में धकेलना है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीन की इस खतरनाक साजिश पर कोई कार्रवाई करेगा? मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको यहाँ बता दें कि परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए साल 1970 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी बनाई गई। एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, हिंदी में अगर कहें तो। भारत ने एनपीटी पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बावजूद इसके भारत चाइना और पाकिस्तान की तरह परमाणु तस्करी नहीं करता।